देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, समय बेहद कम है, आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में बड़ी बड़ी रैलियां जनसभाएं होना मुश्किल है, लेकिन वर्चुअल तरीके से और घर घर जाकर कुछ लोगों के साथ प्रचार जरूर किया जा रहा है। सभी पार्टियां पुरजोर मेहनत कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, चाहे वो सत्ताधारी बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या अन्य छोटे छोटे दल हो। इसके अलावा 2017 में जो बीजेपी के साथ थी भारतीय समाज पार्टी सुहेलदे, वो अब कहीं ना कहीं अलग हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये है कि इस बार इनका चुनाव प्रचार जो है वो कितना दम भरता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा से कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। मथुरा में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है राजवीर सिंह, वो लगातार घर घर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कड़ी मेहनत की जा रही है, वोट मांगने का काम किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पांचों विधानसभाओं पर गठबंधन पर प्रत्याशी उतारे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पांचों विधानसभा हम जीत रहे हैं। तो उम्मीद पूरी है, विश्वास पूरा है, लेकिन जनता को इन पर कितना विश्वास है ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में आज हम मथुरा से जिलाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राजवीर सिंह का रुख करेंगे, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजवीर जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। जी नमस्कार राजवीर जी। 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, अब अलग गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं, पांच विधानसभाएं मथुरा की और पांचों पर जीत का दम आप भर रहे हैं। देखिए ऐसा है पत्रकार महोदय, मैं जो है आपको बता दूं कि पहले हमारा जो गठबंधन था बीजेपी से जी, जो हमारा गठबंधन हुआ था हमारी पार्टी का, तो कुछ हमारी जो शर्तें थी उनका जो है बीजेपी से समझौता नहीं हो पाया, सही तरीके से नहीं चल पाया। तो हम लोगों ने जो है गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो है गठबंधन तोड़ दिया था। ठीक है ठीक। आज हम राजवीर जी को सुन पा रही हूं, आप बोलिए। जी जी जी, आज हम अखिलेश जी के साथ गठबंधन में हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, हम लोग जो है मथुरा में 500 प्रत्याशियों का साथ दे रहे हैं और 500 प्रत्याशी हमारे 500 विधानसभा में जीतने का काम कर रहे हैं, जीतेंगे। चलिए ठीक है राजवीर जी, चलिए ये बताइए सबसे पहले कि मथुरा वासियों को क्या खास सौगात आप देंगे अगर जीतते हैं तो? देखिए हम लोग जो है गरीब असहाय लोगों की जो है हम लोग जो है मदद करते हैं और बिजली जो है हम लोग जो है 300 यूनिट राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा अखिलेश यादव जी ने जो कह दिया है 300 यूनिट बिजली जो है फ्री देंगे और भी हमारे जो है बहुत जो है 22 लाख रोजगार युवाओं को रोजगार देंगे और हमारी कई वो चल रही है लोगों के लिए जो हम उनके बीच में जा रहे हैं उनको बता रहे हैं। लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर जनता ने आपको स्वीकार किया था, लेकिन इस बार आप सपा के साथ गठबंधन में हैं। दूसरी तरफ लेकिन बीजेपी छोड़ दी, लेकिन तरीका जो है वही है, जैसे अमित शाह घर घर पर्चे बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी घर घर जा रहे हैं, प्रेरित है बीजेपी से अभी भी? देखिए ऐसा है, अमित शाह यहाँ मथुरा आए जी क्योंकि बीजेपी को डर है और कहीं ना कहीं तो बीजेपी को खतरा लग रहा है मथुरा से, क्योंकि पांचों विधानसभाओं से बीजेपी के प्रत्याशी हार रहे हैं। लोग बाग जो है बीजेपी के विधायकों को जो है गाली गलौज कर रहे हैं, भगा रहे हैं और जो है उनके समर्थ नहीं है और हम लोग जो जा रहे हैं विधानसभाओं में पांचों में प्रचार कर रहे हैं जी। तो लोग बाग काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है आम जनता का आप लोगों को? जी बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। बांके बिहारी आपके साथ हैं? बिल्कुल बांके बिहारी जी हमारे साथ हैं और कृष्ण भगवान जी हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, जो हमारे ऊपर पूरा जो आशीर्वाद है उनका। अच्छा कृष्ण भगवान आपके पड़ोसी हैं? बिल्कुल बगल में ही रहते हैं उनके।
चलिए ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ज्यादा कृपा यहाँ पर कृष्ण भगवान की आप पर होगी जी। चलिए ठीक है, अपना विजन थोड़ा सा क्लियर करिए हमें, हमारी जनता जो है, जो हमारे दर्शक है, वो जानने की कोशिश करे कि आखिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विजन क्या है, किस विजन के साथ चल रही है। देखिए हमारा जो है पूर्वांचल में बहुत ही जो है वजूद जो है बना हुआ है जी। हमारे साथ जो है निषाद, मल्हार, कश्यप और भी जो है सभी जाति हमारा साथ जो है मिलकर के साथ दे रहे हैं और ऐसे ही हम मथुरा में जो है माहौल बनाए हुए हैं जो इन सब लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधाराओं को इन लोगों में जो है प्रभावित कर रहे हैं और इन लोगों के सब समझ में आ रहा है। चलिए राजवीर जी, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आप लोगों का विजन यही है कि जो पिछड़े हैं उनको आगे ले जाना है, जो गरीब हैं उनको आगे ले जाना है। आपका जो गठबंधन टूटा बीजेपी से, यही मसले थे कि आप लोगों की जो मांगे हैं वो नहीं बीजेपी मांग रही थी, सपा ने वो मांगे मानी हैं, तो ऐसे में क्या हम यकीन करें कि आप मेहनत करेंगे, वाकई पिछड़ों को आगे लेकर आएंगे और उनके लिए आवाज उठाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, अपने क्षेत्रों में आप बेहतर विकास करेंगे? बिल्कुल विकास कर पाएंगे, क्योंकि अखिलेश जी जो है नए युवा है और युवा सोच अखिलेश जी के साथ है। हम लोग सब लोग मिलकर के चाहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार बने और हम लोग जो है बनाने को सरकार जा रहे हैं अखिलेश जी की, और साथ में ही मिलकर काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है अखिलेश जी के साथ जो है किसी भी गरीब, असहाय, बेरोजगार को कोई भी कमी परेशानी नहीं आएगी और बहुत जो है बढ़िया तरीके से जो है सरकार चलाएंगे। चलिए ठीक है राजवीर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, लेकिन वो तो वक्त बताएगा 10 मार्च को कि आखिर क्या होगा। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो राजवीर सिंह मथुरा से जिला अध्यक्ष हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा विजन क्लियर है, हम ये जो 5 विधानसभाएं हैं गठबंधन पर प्रत्याशी उतारे हुए हैं और ये प्रत्याशी जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मथुरा की जो जनता है, मथुरा जो वासी है, वो इन पर विश्वास बना चुके हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता के मन में क्या है। 10 मार्च का इंतजार हमें करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे कुछ बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूबे में बड़ी वर्चुअल रैली करेंगे। रैली के लिए यूपी के करीब 1.5 लाख मतदाताओं को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी इस दौरान सूबे के बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों से भी संवाद करेंगे और उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियां और रोड शो की अनुमति नहीं दी थी। देश की राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में गणतंत्र दिवस के दिन हुई घटना में दरिंदगी की हदें पार कर दी गई थी, ये चर्चा इन दिनों सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही है। इस घटना ने पूरे देश को ही शर्मसार कर दिया। एक पीड़िता के साथ ही हैवानियत का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है। वीडियो में एक कमरे में बंद कर एक युवक और महिला दरिंदों की तरह पीड़िता पर डंडी और बेल्ट बरसा रहे हैं। कमरे में ही पीड़िता के कैंची और उस तरह से बाल काटे गए। इन सब का वीडियो भी आरोपियों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूत्रों का कहना है कि वीडियो इसलिए वायरल किया गया ताकि लोगों में उनके प्रति खौफ बना रहे। सूत्रों का कहना है कि पीड़िता को अधमरा करने के बाद महिलाओं ने अपने सामने ही युवक से पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म कराने के लिए कहा। हालांकि इसका वीडियो नहीं बनाया गया, लेकिन महिला के साथ जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लेकिन सभी से अपील ये की जाती है कि इस तरह के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो सौहार्द है वो बिगड़ता है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि महिला के बाल काट दिए गए हैं, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसे जूते और चप्पल की माला पहनाकर महिलाओं ने ही बीच सड़क पर घुमाया है। वीडियो बनाया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गणतंत्र दिवस के दिन ये हो रहा था देश की राजधानी में। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है।
29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह मनाया जाएगा। आज शाम को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विजय चौक और आसपास के मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन लोगों के लिए बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने इस दौरान लोगों को विजय चौक और नई दिल्ली इलाके के कुछ रास्तों से बचने की सलाह दी है। ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर विवेक किशोर ने बताया कि आज शाम को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए विजय चौक सहित नई दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इस दौरान आम गाड़ियों के लिए विजय चौक और राजपथ पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मथुरा के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान होना है, इसे लेकर राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस का चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। मथुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर अब बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा से चुनाव प्रचार कराएंगे। साल 2012 में नगमा ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। उस चुनाव में प्रदीप माथुर ने जीत दर्ज की थी। आचार संहिता उल्लंघन के भय से प्रत्याशी की ओर से केवल घर घर जाकर ही चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कम समय में चुनाव प्रचार किस प्रकार से किया जाए, इसे लेकर सभी दलों के प्रत्याशी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा को प्रचार के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने नगमा के प्रचार क्षेत्र का भी चयन कर लिया है, जल्दी वो उसकी तारीख की घोषणा करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी समेत अन्य नेता भी मथुरा आ सकते हैं। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone. My name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में।
डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसानों और सरकार के बीच हुए समझौते में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कमेटी के गठन की बात थी, लेकिन सरकार ने अब तक इस कमेटी का गठन नहीं किया। इसके विरोध में किसान 31 जनवरी को धरना देंगे। राकेश टिकैत ने बताया कि 31 जनवरी को पूरे देश में डीएम और एसडीएम के दफ्तर पर धरना दिया जाएगा। ये धरना सरकार की ओर से एमएसपी पर अब तक कमेटी ना बनाने के विरोध में दिया जाएगा। ये धरना पूरे देश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है। अगले महीने इन राज्यों में मतगणना की शुरुआत भी हो जाएगी। वहीं सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में लगी हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, साल 2013 से 14 में बीजेपी की संपत्ति 780 करोड़ थी, वहीं साल 2019 से 20 में बढ़कर 4847 करोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने तंजात्मक तरीके से कहा कि इन सालों में देश का गरीब और मध्यम वर्ग गरीब हो गया है। केवल बीजेपी की संपत्ति में 550% की बढ़ोतरी हुई है। सुरजेवाला ने कहा कि यही है न्यू इंडिया का मोदी मॉडल। मोदी राज में हमारा देश वाकई बदल रहा है। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रदेश के मतदाताओं के नाम एक पत्र जारी किया। इस पत्र के जरिए उन्होंने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल सत्ता में बैठे लोगों की दुर्भावनाओं और कुशासन के कारण जन विरोधी रहे हैं। सत्ताधीशों ने सामाजिक द्वेष, जातिगत, धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता को बांटने का काम किया है। पत्र के जरिए जयंत ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि किसान के बढ़ते बोझ के खिलाफ जब जब स्वर उठे, उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। इन 5 सालों में दलितों पर अत्याचार और महिलाओं की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में रही। ऐसे में आज की जिम्मेदारियों के निर्वाह में आप सभी की भागीदारी भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। आगरा के खैरागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के बिगड़े बोल सामने आए। उन्होंने जनसंपर्क के दौरान अधिकारियों के लिए अपशब्द इस्तेमाल किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फरुखाबाद में अमृतपुर विधानसभा से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। जहां पर टिकट न मिलने से नाराज चल रहे बीजेपी नेता सुरेश राजपूत ने निर्दलीय के रूप में समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल किया है। साथ ही बिना नाम लिए एक बीजेपी नेता पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाल दी है। वहीं फिरोजाबाद विधानसभा से बसपा प्रत्याशी बबलू सिंह राठौर के टिकट कटने के बाद बबलू सिंह राठौर अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे। बीजेपी के मौजूदा विधायक मनीष असीजा के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही मनीष असीजा मुर्दाबाद के नारे लगाए।
बताया जा रहा है कि बबलू सिंह राठौर भावुक हो गए और रो रो कर अपनी बात कहने लगे। फिरोजाबाद की तस्वीरें, बसपा प्रत्याशी बबलू सिंह राठौर का टिकट कट गया है जिसकी वजह से वो बेकाबू हो गए, समर्थकों के साथ सड़कों पर आ गए और रो रो कर अपनी बातें सामने रखने लगे। लालकुआ में संध्या दालाकोठी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले संध्या दालाकोठी को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला था। बाद में पार्टी आलाकमान की तरफ से मंथन के बाद हरीश रावत को लालकुआ विधानसभा से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया। इसी को लेकर संध्या दालाकोठी से खास बातचीत की। लालकुआ से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र द्वारे ने इस दौरान क्या कुछ कहा संध्या दालाकोठी ने, सुनिए। इसका चुनाव बिल्कुल बच चुका है, ऐसे में आज एक ऐसी शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, सभी में आगे देखी जा सकती हैं। लालकुआ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कदम रखने जा रही है संध्या दालाकोठी जी, हमारे साथ ही हैं। संध्या जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद भैया। मैडम, पहला सवाल तो ये रहेगा, कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उसके अपोजिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और मुझे बेटी दिवस के दिन ही ये तोहफा मिला था टिकट का। और जिस दिन 26 जनवरी थी उस दिन 7 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि आपका टिकट कट गया, और बिना कारण बताए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतनी बड़ी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और मैं एक महिला हूँ, और आदरणीय हमारी प्रियंका गांधी जी का नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसमें कुमाऊं मंडल से 2 महिलाओं को टिकट दिया था, उसमें से एक लालकुआ था एक रुद्रपुर था, और उसमें लालकुआ का टिकट काट दिया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं का सम्मान ऐसी होगा, हमारी महिलाएं सशक्त ऐसी होंगी। हर एक माँ का सपना होता है कि मेरी बेटी आगे पहुँचे, हर एक बहू आगे बढ़े, लेकिन आज जिस तरह से पार्टी ने मुझे आहत किया हुआ है, मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। जनता रूपी आशीर्वाद यदि आपको मिला तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर आप कार्य करेंगे? देखिए, जनता अगर आशीर्वाद मुझे देगी तो मैं इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से मुझे पूरा वाकिफ है, मैं महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बनूंगी। हमारा चाहे बिंदुखत्ता में राजस्व गांव का मुद्दा हो, यहाँ ओवर ब्रिज हो, मालिकाना हक की बात हो, NHI की रोड हो, इंदिरा नगर का नाला, अंतर्राज्यीय बस अड्डा हमारा प्रस्तावित हुआ अभी तक का नहीं बना, इंटरनेशनल स्टेडियम, गोलापार में नकेल का पुल, विजयपुर का पुल, शेर नाला, नंदौन नदी जैसे कई ऐसे जंगली जानवरों का जो नुकसान हो रहा है हमारे, क्योंकि 80% कृषि बाहुल्य क्षेत्र है ये, तो ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, और इस क्षेत्र में विकास होना है तो मैं उसको पूरा करने में सक्षम रहूंगी। हरीश रावत जी अभी बोले कि संध्या जी मेरी बहन जैसी हैं, तो मैं उन्हें मना लूंगा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रिश्ते हमेशा कायम रहेंगे, वो कल भी थे और आज भी हैं, और जिस तरह से मुझे आज पार्टी ने आहत किया है, अब मैं इसके लिए मैं उस पार्टी को क्षमा करने वाली नहीं। तो हमारे साथ संध्या दालाकोठी जी थे जिन्होंने कहा कि जनता रूपी आशीर्वाद यदि उन्हें मिलता है तो जनता के हित में सदैव वो कार्य करेंगी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया से धर्मेंद्र आर्या, लालकोठी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।